नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। देवरिया के सदर कोतवाली में तैनात दारोगा बदरुद्दीन खान का एक महिला के साथ वसूली का ऑडियो वायरल हुआ था। देवरिया एसपी संगल शर्मा ने इस पर कड़ा एक्शन लिया है, एसआई को निलंबित कर दिया। थाने में फरियाद लेकर बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था। बातचीत में दारोगा बदरुद्दीन खान महिला के सामने गिड़गिड़ाता नजर आ रहा था। बातचीत के दौरान महिला ने कहा कि मेरी इज्जत भी ले ली और मेरा काम भी नहीं हुआ। ऑडियो तेजी के साथ वायरल होता है। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद बड़ा एक्शन लिया गया। देवरिया में कार्यरत एक सब इंस्पेक्टर बदरुद्दीन खान उनके एक महिला के साथ ऑडियो जो बातचीत है उसका ऑडियो वायरल हुआ है। इस वायरल ऑडियो की एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा जांच कराई गई है और इस जांच में प्रथम दृष्टया सब इंस्पेक्टर बदरुद्दीन खान द्वारा जो कंडक्ट रूल्स हैं उनके वायलेशन की बात आई है। हरदोई में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गुंडई सामने आई है। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष ने मॉल कर्मी को अभद्रता की है, धक्का मुक्की की, शॉपिंग मॉल में किसी बात से नाराज होकर गाली गलौज किया है। पूर्व जिलाध्यक्ष का गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, राजीव रंजन मिश्र बताए जा रहे हैं और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। शॉपिंग मॉल में कुछ खरीदारी करने गए थे, राजीव रंजन मिश्र मॉल में सामान बदल जाने के बाद ये विवाद हुआ। मजरा के थाना आए हुए क्षेत्र में चौकीदार की निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया। यहाँ ईंट बनाने की फैक्ट्री में चौकीदार करने वाले व्यक्ति के हाथ पैर बांधकर ट्रैक्टर से कुचलकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्यारोपियों की तलाश में जुट गई है। सुबह हम जैसे 5 बजे हमारे लेबर आती है, लेबर आई, उन्होंने बताया कि भाई साहब चौकीदार को हमारे को कोई माँ पे बांध के डाल गया, तुम आओ फटाफट। वो मेरे घर पे गए जगाने के, उन पे फोन आए सुबह सुबह भी मेरे को जगा के लाए। सुबह यहाँ देखा तो चौकीदार हमारा बांधा हुआ था हाथ पर और ट्रैक्टर इसमें इंटरलॉकिंग टोरिंग लगा हुआ था, उससे खोला है और ये ट्रैक्टर उस पर चढ़ा दिया। ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया है। क्या उद्योग है आपका? ये इंटर पेवर इंटरलॉक बनाते हैं। क्या नाम है उद्योग का? भक्ति कंक्रीट उद्योग। जो मृतक है उनका क्या नाम है? उनका नाम है दुर्गा प्रसाद, पिताजी का नाम गोकुल चंद, निवासी बिरजापुर। घटना में क्या हुआ है? अब घटना में तो हमें तो इतना ही मालूम है कि हम सुबह आए तो यहाँ पे बांध के पड़े रखे हैं, दोनों तीनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों से खोल रखे हैं। क्या लगता है आपको, चोरी की घटना है कि ये मर्डर की घटना आ रही है? सर कुछ भी हो सकता है, ये हमें इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। थाना हाईवे के भक्ति कंक्रीट उद्योग के एक 60 वर्षीय चौकीदार जिनका नाम दुर्गा प्रसाद है, आज सुबह सूचना मिली कि इनकी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा FIR पंजीकृत किया गया है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि इनकी हत्या अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हाथ पैर बांध के की गई है। बांदा में दबंगों ने घेर कर युवक को गोली मारी है। आरोपियों ने लड़की भगाने में सहयोग करने के शक में युवक को गोली मार दी। कुछ दिन पहले आरोपियों के घर से लड़की भागी थी। जानकारी पर परिजन अनफानल में घायल युवक को लेकर जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर पहुंचे, जहां से गंभीर हालत होने पर उपचार के बाद डॉक्टर ने कानपुर रेफर कर दिया। घायल युवक के चाचा की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले के एक आरोपी को तमंचे सहित पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामला बबेरू कोतवाली अंतर्गत तराया गाँव का है। थाना बबेरू में एक व्यक्ति गोकुल सिंह और किसी ने गोली मार दी है, उसमें उनके चाचा की तहरीर में मुकदमा कायम कर लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस संदर्भ में एक व्यक्ति को तमंचे के साथ और एक होगा कानून और एक जिंदा कानून के साथ अरेस्ट भी किया गया। बागपत में जूते के शोरूम में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, देखते ही देखते पूरी दुकान जलकर राख हो गई। जूता व्यापारी का लाखों का नुकसान हुआ है। जूते के शोरूम में आग लगने से बाजार में हड़कंप मच गई। बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के मेन बाजार की घटना।
हरिश्चंद्र SP धनंजय सिंह कुशवाहा को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ज्ञापन दिया है। पैगंबर मोहम्मद पर अवर टिप्पणी करने पर भाजपा नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ हरिश्चंद्र SP को ज्ञापन दिया गया। भाजपा नेता नुपुर शर्मा के विरोध में एटा शहर के मुस्लिम धर्मगुरु भाजपा नेता ने एक टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद समाज सेवी शराफत हुसैन के नेतृत्व में SSP कार्यालय पहुंचकर मुस्लिम धर्मगुरु मुस्लिम समाज के लोगों ने भाजपा नेता पर FIR दर्ज करने की मांग की है। सीएम योगी के गृह जनपद गोरखपुर के लाल डिग्गी स्थित नेहरू पार्क के तालाब में अचानक मछलियों के मरने की सूचना से अफरा तफरी का माहौल है। पार्क में सुबह टहलने के लिए आने वाले लोगों ने बताया कि पार्क की देखभाल करने वाले लोगों की लापरवाही से सैकड़ों बेजुबान मछलियों की जान चली गई। नेहरू पार्क के तालाब में गंदगी का अंबार है। तालाब में पानी बहुत ही कम है और सफाई भी नहीं होती, और ना ही यहाँ पर पानी ही बदला जाता है। यहाँ के जो भी जिम्मेदार हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अलीगढ़ में न्यूज चैनल में कार्यरत पत्रकार मुकेश गुप्ता को गोली मारकर घायल करने वाले दूसरे आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जो पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहे आरोपी नागेंद्र को मुखबिर की सूचना पर याकूतपुर रजवाहे के पास से गिरफ्तार किया गया। मुकेश गुप्ता जी पर जो हमला हुआ था उस संबंध में मुख्य अभियुक्त को पुलिस द्वारा 14 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया था। उस पूछताछ में एक अन्य अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया था, जिसका नाम नागेंद्र पुत्र जगपाल है। ये रायपुर थाना जवां क्षेत्र का रहने वाला है, उम्र लगभग 48 वर्ष। इसको भी पुलिस द्वारा आज हिरासत में ले लिया गया है। दोनों ही अभियुक्तों से समस्त बरामदगी, जो पिस्टल थी और साथ ही जो मोटरसाइकिल बुलेट थी, वो सब पूर्व में ही बरामद की जा चुकी है। इन दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी प्रस्तावित है। कठोर दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का गोरखपुर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्री और पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद रहे। गोरखपुर एयरपोर्ट से सर्किट हाउस सुरक्षा के चाक चौबंद पुख्ता इंतजाम के साथ वो पहुंचे हैं। इसके बाद गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। योगी सरकार एक और अवैध कॉलोनियों पर सिकंजा कसने का दावा पेश कर रही है, तो वहीं दूसरे जिले में ग्रीन लैंड पर किए गए अवैध कब्जे की वजह से शहर के हाईवे से सटे नेहरू पार्क के पीछे बसी विनायक विहार कॉलोनी में दशकों से लोग अपने निवास को लेकर मांग कर रहे हैं, लेकिन बीते 15 सालों से विकास न मिलने से परेशान हो गए हैं। अब मजबूरन प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं, लेकिन निकासी को लेकर लगभग 2000 से ज़्यादा अधिक आवासीय कॉलोनी के लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।